भाई और मम्मी और मौसी चारों लोग हमें धमकी दे रहे हैं तरह तरह की कि तुम लोगों को जान से मार देंगे, या तो कल मेरे को धमकी दी थी इसकी माँ ने, या तो लड़की को मेरे हवाले कर दे वरना तुझे गोली से मरवा दूंगी। किस बात को लेकर? क्योंकि मैंने इससे शादी की है। कब शादी की थी, कहाँ शादी? मैंने की थी 25/7/17 को शादी की थी, उसके बाद हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से हमें ऑर्डर मिला था, उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने, ऑफिसर महोदय के सामने हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया। उसके बाद फिर हम SSP ऑफिस में आए थे, SSP महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। अब जान का खतरा है तुम्हें? हाँ, अब भी हमें जान का खतरा है, लेकिन इसकी मम्मी ने हमारे खिलाफ़ FIR कर दिया, इसको नाबालिग बता रही हैं, जबकि ये सारे एविडेंस में 24 या 25 साल की है, 24 साल की है, आधार कार्ड में, वोटर कार्ड में और मार्कशीट में आई थी इसकी 22 साल। अब किस तरह की सुरक्षा मांगने के लिए यहाँ पर आए, क्या है? हमें जो उसकी मम्मी ने जो हमारे पास हमारे खिलाफ़ FIR की थी वो निरस्त की जाए, और मारने की धमकी दी आपको? हाँ, हमें मारने की धमकी दी थी, हमें सुरक्षा प्रदान की है। नहीं आपको? सर मुझे धमकी मिल रही है, मैंने शादी की है लव मैरिज, तो मेरे घर वालों को पता थी 2-3 साल से कि इसने शादी करी, मैंने कहा था उनसे कि शादी कर दो, तो उन्होंने नहीं गई, फिर ज़बरदस्ती मेरी शादी कर रहे, तो मैं अपने पति के पास आ गई, तो इसलिए मेरी मम्मा ने केस भी डाला है कि ये 16 साल की है ना, क्योंकि मतलब मैं 16 साल की थी नहीं, है ना, तो इसलिए मेरे भैया और मेरी मौसी मैंने शादी कर ली है इसलिए, तो ये धमकी दे रहे हैं, गोली मार दूँगा मेरे पति में, यहाँ भी मिल गया बस ये। किस तरह का डर है फिर आपको? अब मुझे किरण, रिंकू और नेमती और देविंदर। कौन है ये? ये मेरे मामा हैं, एक किरण मेरी मौसी है और नेमती मेरी मम्मी है, रिंकू मेरा भाई है। अब आप आज कहाँ पर आई हो, किस तरह के इंसाफ मांग रही हैं? मैं आज आई हूँ SSP ऑफिस आई हूँ। किस तरह का इंसाफ मांग रही है, क्या होना? मैं इंसाफ ये मांग रही हूँ कि मेरे पति को और मेरे लिए कुछ नहीं हो पाए, मैं अपने घर आराम से रहूँ, बस ये है। आपकी उम्र कितनी है? सुबह आपकी इसमें उम्र कितनी? देखिए, इसके अंदर जो है थाना जमा के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें ये लड़की जो अभी आई थी आज जन सुनवाई में, इसको जो लड़का भगा करके ले गया था उसके ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज था। दोनों ये लड़का लड़की हाईकोर्ट इलाहाबाद में जा करके इन्होंने अपना बयान दिया है, बयान के आधार पर हाईकोर्ट ने सुनने के बाद में लड़की को मेजर पाया है, उसके बाद हाईकोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं पुलिस को कि इन दोनों की शादी हो गई है और इनकी सुरक्षा की है, वो डायरेक्शंस की कॉपी वो हमारे पास लेकर के आई थी, हमने ऐसे जो जवाब को डायरेक्ट कर दिया है कि इसको ऐसा एविडेंस रख लें 363/66 वाले मुकदमे में, और उसके उपरांत जो सुसंगत धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए एविडेंस के बेसिस पर वो कार्रवाई करेंगे।